हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है स्कंदादा अटेकर ये एक पेन इंडियन फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डाप्ट किया गया हुआ है तो ये सभी वर्जन कैसे कहाँ पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाले फिल्म का डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का साउटिंग काश के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे वहीं पे इस फिल्म से जुड़े जो इतने जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं स्कंदा द अटेकर ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डप्ट करके रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महातरे अपने करियर में पहली ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म का जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें बोईपति सीनू ने की हुई थी डायलॉग्स से वो एम रत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पर श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो एक हेल्दी अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी संतोष देताकी ने की हुई थी एडिटिंग तमीम राजू ने की हुई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे सैंतालीस मिनट लंबी यह फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसे ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट थे और जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज किए हुए थे इस फिल्म को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन जी स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस किया था जी स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी रिलीज भी उनके ही द्वारा करवाई गई थी फिल्म के जो हिंदी डब्ल

जहाँ पे वो भास्कर का डोपल गैंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रंगति परिणीता जो अमूल है उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि रामपोथी के किरदार का ಸಾಯ ಮಂಜರೇಕರ್ದ್ರಗತಿ ಪರಿಣಿತಾ ಅಮೂಲ್ ಪ್ಲೇ ಕತೆ ನರ ಆಗಿ ಜ್ರಗಿ ರಾಮಾಕೃಷ್ಣ राजू के बेटी है वहीं पे वो की लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्ण राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेस मैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ है शरत लोहित साहुआ इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो सरनजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय पुरकार को राइडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सी था दघुवती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो भास्कर के का रोल था जो रुद्र में रह रहा है वहीं पे प्रभाकर इस फिल्म में चिनप्पा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म में प्रदीप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ श्रावण को इस फिल्म में रंजीत रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट का रोल दिया गया था गौतम इस फिल्म में मणिकंता लक्ष्मी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो भास्कर की माँ का रोल था इंदिराजा ने इस फिल्म में रुद्रगंती भास्कर भारती का रोल प्ले किया हुआ जो रामाकृष्ण राजू का वाइफ का रोल था वहीं पे उर्वशी रावत लाइक स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी गाने में जिसका नाम था कल्ट मामले

फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि श्री लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथर के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक लिम्स वीडियो रिलीज किया गया था जहां पर साथ ही में रिवील, टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पे फिल्म का टाइटल स्कंदार रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटैकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 अक्टूबर 2022 हज़ार बाईस को साथ स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था वो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक्शन सन सिक्वेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ रामपोथीन शडीला के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को क्या हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीज़ें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद मार्केटिंग और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था और 2023 में गानों को रिलीज़ किया हुआ था इसे स्थमन इस जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका एक करीबन चौथा कोलाबरेशन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाबरेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे को जिसको दो में रिलीज किया था उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में यानी कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथी नेने के साथ एज म्यूजिक डोर डायरेक्टर के तौर पे कोलैबोरेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एसएस इस इस थमन ने बॉय पत्ति के साथ ये तीसरा कोलैबोरेशन किया हुआ है जिसकी शुरुआत 2016 की फिल्म सराय नोडू से की गई थी 2021 में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे और दो हज़ार स्कंदा फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तु चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजना नकालंजे ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश चौजन या भगवतुल्लू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अठारह अगस्त दो को रिलीज़ किया गया तीसरा सिंगल दुमा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन प्राण थी उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया होता जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें आ, फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला जहाँ पे वो राम पोथिननी के साथ पहली बार का कोलोबरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद्र हेमचंद रमिया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और अट्ठारह सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल फिल्म वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोहित सवा जहाँ पे इस तेलंगाना का सीएम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे राम ने जो इस सीनारियो को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सीएम को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फिल्म के एक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फिल्म की कहानी बनाती है राम पोथीनिनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोट वर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका ये बेस्ट मोड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सिक्वेंस सेट किए होते हैं उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है मास अपीरेंस उनका आपको जबरदस्त लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते हैं उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलते हैं वो सीन्स में वजन डाल देते हैं श्रीलीला भी इस फिल्म में काफी इंप्रेसिव नजर आती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है उनके स्टेलर ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फाइन रोल प्ले करते हुए नज़र आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फिल्म की कहानी थी वो वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहाँ पे वो डगुपति राजू का रोल प्ले करते हुए नज़र आते उस रोल में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार नजर आता है काफी अच्छा नजर आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को एनहांस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया है उसको एंजॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईपति की स्णु की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडो या कोई भी फिल्म ले लो उनकी ये सभी फिल्में ओवर द टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय कीजिएगा फाइट सिक्वेंस डेफिनेटली एन्जॉएबल है जहाँ पे एंडर रस वाले मोमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते बोतो किसी की तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नजर आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहाँ पे भी वो काफ़ी चीजें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में मत में, में लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया कुशबंस दे थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्टर बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफ़िनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज़्यादा फिल्म की जो ये फाइट सिकौन से जो डायलॉग डिली डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ खास आपको कनेक्ट नहीं कर पाती है नहीं लगती है सॉन्ग्स थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रोंग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा करेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ खास नज़र नहीं आई गौतमी और भी कहीं ऐसे एक्टर्स थे जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई ख़ास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कोई बदलाव कर सके तो ज़्यादा कैरेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने कैरेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पे कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट्स था फिल्म का सेकंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ खास आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ खास आपको एट्रेक्टिव नहीं लगेंगे बोईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे हेमरत्नम के डायदार द्वारा डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट थे एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस धमन के द्वारा जो बीजेम से तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता कि जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफी जोरदार नजर आता है एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने सोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ है वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर राम पोथी नेने की आपको सोलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से लॉजिकल है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सिक्वेंस डांस मूव ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई है लेकिन कहानी काफ़ी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई खास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सॉरी uh, बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज़ के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को Uh, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगु के साथ हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेजेस शामिल थे जहाँ पे पहले ये फिल्म पहले 20 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके 28 सितंबर को रिलीज़ किया हुआ था जिसमें नब्बे करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीबन बावन वोट बारह वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस होस्टार के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल मेकर डी वालों को, बेचे थे। हिंदी के उन्होंने को बेच दिए थे तो डील की हुई थी तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होस्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आरके स्टूडियोज के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी है देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे स्कंदा द अटेकर ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डप्ट करके रिलीज किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महातरे अपने करियर में पहली ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म का जो, जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 हज़ार तेईस की तेलगू लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें बोहपति सेनू ने की हुई थी डायलॉग से एमरत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पे श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो एक हेल्दी अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी ये फिल्म थी जिसकी टेक्निकलिटी में सिनेमेटोग्राफी संतोष देताकी ने की हुई थी एडिटिंग तमीम राजू ने की हुई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे सैंतालीस मिनट भी ये फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में एस बैकग्राउंड ने बैकग्राउंड कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज़ किए हुए थे इस फिल्म को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन जी स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वहीं पर हिंदी रिलीज़ भी उनके ही द्वारा करवाई गई थी फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आर के दोगल स्टूडियोज़ वालों ने खरीदे हुए थे हिंदी डबिंग उनके द्वारा करवाई गई थी और उनके ही थ्रू इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन थिएटिकल रिलीज करवाया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं राम पोथी ने आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे एक रोल का नाम है मनिकंदना भास्कर आर राजू वहीं पे इस फिल्म में आपको उनका दूसरा किरदार देखने को मिलता है जहाँ पे उसका नाम है स्कंदा वो मोरक्को से आया हुआ है जहां पे वो भास्कर का डोपल गैंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रंगति परिणीता जो अमूल्य है उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि रामपोथीन ने कि किरदार का साई मंजरेकर जो रुद्रगति परिणीता अमूलू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी जो रुद्रगन्दी रामा कृष्णा राजू के बेटी है वहीं पे वो स्कंदा की लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्ण राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेस मैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ ओ है शरद लोहिता इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी एम है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो सरनजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय पुरकार को राइडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सी था दगुबती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया है जो भास्कर के फादर का रोल था जो रुद्राजपुरम में रह रहा है वहीं पर प्रभाकर इस फिल्म में चिनप्पा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म

अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं डेवलपमेंट की शुरुआत 18 फरवरी 2000 से की गई थी 2022 से की गई थी सिल्वर स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जिन्होंने अनाउंस की थी अपनी अगली फिल्म जहाँ पे बताया गया था कि बोईपति श्रेण इस फिल्म में डिरेक्शन करने वाले वहीं पर राम ने एज डिरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे जिसका टेंटेटिव टाइटल बोईपति रापो रखा गया था फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि श्री लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथर के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक लिम्स वीडियो रिलीज़ किया गया था जहाँ पर साथ ही में रिविल टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पर फिल्म का टाइटल स्कंदार रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटैकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते थे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 अक्टूबर हाँ 2022 को साथ स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक्शन सिकवेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार हाँ में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ रामपोथिन एनिवर्सिटी ला के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को क्या हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीजें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद मार्केटिंग और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था और दो में गानों को रिलीज़ किया हुआ था एस एस थमन जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका करीबन चौथा कोलाब्रेशन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाबरेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे स्कोर जिसको दो में रिलीज किया था उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में यानी कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथी नैनी के साथ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे कोलोबेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एस इस एस थमन ने बोईपति के साथ तीसरा कोलोबरेशन किया हुआ है जिसकी शुरुआत दो की फिल्म सराइनोडो से की गई थी दो में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे और दो हज़ार तेईस कीधा फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तू चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजना कालमंजय ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश चौजन भगवतुल्लू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अट्ठारह अगस्त दो को रिलीज किया गया तीसरा सिंगल दुम्मा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन प्राण थी उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया हुआ था जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें आ, फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला जहाँ पे वो रामपोथी नैनी के साथ पहली बार का कोलोबरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद्र राम या रमिया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और 18 सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी एम रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोही सावा जहाँ पे इस तेलंगाना का सीएम एम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे रामपोथीनैनी जो इस सिनारे को पूरी तरह से चेंज कर देते अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सीएम को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फिल्म के डायरेक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है राम पोथी नैनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोटवर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका बिस्ट मोड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सिक्वन सेट किए होते हैं उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है मास अपीरेंस उनका आपको जब, जबरदस्त जबर लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते हैं उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलते सीन्स में वजन डाल देते हैं श्रीलीला भी इस फिल्म में काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है उनकी टेलर ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फ़ाइन रोल प्ले करते हुए नज़र आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फ़िल्म की कहानी थी वो वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहाँ पे वो डगुपति राजू का रोल प्ले करते नजर आते उस रोल में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार नज़र आता है काफ़ी अच्छा नज़र आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नज़र आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को एनहेंस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया हो उसको एंजॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईफते की श्रेणु की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडू या कोई भी फिल्म ले लो उनकी ये सभी फिल्में द टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के है उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय करिएगा फाइट सिक्वेंस डेफिनेटली एन्जॉएबल है जहाँ पे इंडरलाइन रस वाले मोमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते बोई पीन की तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नज़र आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहाँ पे भी वो काफ़ी चीज़ें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में, में, में मत मेघ लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया कुछ बंसते थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्ट बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफ़िनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज़्यादा फिल्म की जो ये फाइट सिकौन से जो डायलॉग डिलीवरी डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ खास आपको कनेक्ट नहीं पर कर पाती है नहीं लगती है सॉन्ग्स थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी गौतमी और भी कई ऐसे एक्टर्स थे जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई ख़ास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कुछ बदलाव कर सके तो ज़्यादा करेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने करेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पर कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर वो, वो खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट्स था फिल्म का सेकंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ ख़ास आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीजें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ खास आपको एट्रैक्टिव नहीं लगेंगे बोईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे अमरत्नम के दाइला द्वारा दार, डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट थे एकस्टेब, एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस के द्वारा जो बीजेम से तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता के जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफी जोरदार नजर आता है एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह उन्होंने सोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर राम पोथी ने की आपको सोलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से इन है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस डांस मूव्स ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मजा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई लेकिन कहानी काफ़ी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई ख़ास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सॉरी बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज़ के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगु के साथ हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेज शामिल थे जहाँ पे पहले ये फिल्म पहले 20 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके 28 सितंबर को रिलीज़ किया हुआ था जिसमें नब्बे करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का, का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीबन बावन वोट बारह वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस हॉस्टार के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल उन्होंने साउथ इंडियन के राइट्स ऑलरेडी आरके डी स्टूडियोज को बेच दिए थे तो आरके डी के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने डील की हुई थी तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आरके डी के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी है देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नाडा मलयालम इन सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। स्कंदा डे अटैकर ये एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी, तमिल, कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डब्ब करके रिलीज किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महात्रे अपने करियर में पहले ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म का जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 हज़ार तेईस की तेलगू लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें बोईपति सीनू ने की हुई थी डायलॉग्स वो एम रत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पे श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो एक हेल्दी अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसकी टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी संतोष देताकी ने की हुई थी एडिटिंग तमीम राजू ने की हुई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे सैंतालीस लंबी फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसे समन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज़ किए हुए थे इस फिल्म को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन जी स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी रिलीज़ भी उनके ही द्वारा करवाई गई थी फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आर के दुगर स्टूडियोज़ वालों ने खरीदे हुए थे हिंदी डबिंग उनके द्वारा करवाई गई थी और उनके ही थ्रू इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन थिएटरिकल रिलीज करवाया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं राम पोथी ने आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे एक रोल का नाम है मनिकंदना भास्कर आर राजू वहीं पे इस फिल्म में आपको उनका दूसरा किरदार देखने को मिलता है जहां पे उसका नाम है स्कंदा वो मोरक्को से आया हुआ है जहाँ पे वो भास्कर का डोपल गैंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रंगति परिणीता जो अमूल है उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि रामपोथिन यानी किरदार का ಸಾಯ ಮಂಜರೇಕರ್ದ್ರಗತಿ ಪರಿಣೀತಾ ಅಮೂಲ್ಕಾ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ನಾವು ರೂದ್ರಗನ್ತಿ ರಾಮಾಕೃಷ್ಣ राजू के बेटी है वहीं पे वो उसको लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्णा राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेस मैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ ओ है शरद लोहित सा इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो सरनजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय पुरकार को रायडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सी था दगुबती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो भास्कर के का रोल था जो रुद्र में रह रहा है वहीं पे प्रभाकर इस फिल्म में का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म में प्रदीप मल्होत्रा का रोल प्ले किया इस को इस फिल्म में रंजीत रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट का रोल दिया गया था गौतम इस फिल्म में मणिकंता लक्ष्मी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो भास्कर की माँ का रोल था इंदिराजा ने इस फिल्म में रुद्रगंती भास्कर भारती का रोल प्ले किया हुआ जो रामाकृष्ण राजू का वाइफ का रोल था वहीं पे उर्वशी रावत लाइफ स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी गाने में जिसका नाम था कल्ट मांग तो ये फिल्म के लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम प्रोडक्शन के ऊपर कर के द्वारा जिन्होंने की थी। अपनी अगली फिल्म जहां पे बताया गया था बोईपति फिल्म में डिरेक्शन करने वाले वहीं पे राम पोथीन एज एल डिरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे जिसका टाइटल राम रापो रखा गया था फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथर के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक ग्लिम्स वीडियो रिलीज़ किया गया था जहां पे साथ ही में रिविल टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पे फिल्म का टाइटल स्कंदा रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटैकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो 6 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक सन सिक्वेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ रामपोथी न्यूसिला के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को किया हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीजें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद में मार्केटिंग और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था और 2023 में गानों को रिलीज़ किया हुआ था एस एस थमन जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका एक करीबन चौथा कोलाब्रेशन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाबरेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे स्कोर जिसको दो में रिलीज किया था उसके बाद में उन्होंने उन्होंने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में यानी कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथी नैनी के साथ एज ए म्यूजिक डोर डायरेक्टर के तौर पे कोलोब्रेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एस एस थमन ने बोयपति सिन्हों के साथ तीसरा कोलोब्रेशन किया हुआ है जिसकी शुरुआत 2016 की फिल्म सराय नोडू से की गई थी दो में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे और दो हजार तेईस कीधा फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तू चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजय नकालंजे ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश सौ जन भगवतुलू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अट्ठारह अगस्त दो को रिलीज़ किया गया तीसरा सिंगल दुमा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन प्राण थीन उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया हुआ था जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें आ, फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला जहाँ पे वो राम पोथीनैनी के साथ पहली बार का कोलाबोरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद्र राम या रमया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और 18 सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी एम रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोही सवा जहाँ पे इस तेलंगाना का सीएम एम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे हैं राम पोथीनैनी जो इस सिनारियो को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सी को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फिल्म के लीड एक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फिल्म की कहानी बनाती है राम पोथीनिनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोट वर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका ये बिस् मोड आपको डेफ़िनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सिकवेंस सेट किए होते उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है मास अपीरेंस उनका आपको जबरदस्त लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते हैं उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलती है वो सीन्स में वजन डाल देते हैं श्री लीला भी इस फिल्म में काफी इम्प्रेसिव नजर आती है जहां पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फाइन रोल प्ले करते हुए नजर आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फिल्म की कहानी थी वो वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहां पे वो डगुपति राजू का प्ले करते हुए नजर आते उस रोल में उनका काम काफी ज़्यादा दमदार नजर आता है काफी अच्छा नजर आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को एनहेंस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया हो उसको एंजॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईफते की स्वेणु की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडू या कोई भी फिल्म ले लो उनकी सभी फिल्में द टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मजा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के है उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय कीजिएगा फाइट सीक्वेंस डेफिनेटली एंजॉयबल है जहाँ पे अंडरलाइन रस वाले मोमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते बोई बचो किसी की तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नजर आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहाँ पे भी वो काफ़ी चीज़ें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में, में, में मत मेघ लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया बम्स दे थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्ट बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफिनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज़्यादा फिल्म की जो ये फाइट सिकॉन्स है जो डायलॉग डिलीवरी डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ खास आपको कनेक्ट नहीं कर पाती है नहीं लगती है सॉन्ग्स थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ खास नजर नहीं आई गौतमी और भी कई ऐसे एक्टर्स थे जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई ख़ास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कोई बदलाव कर सके तो ज़्यादा करेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने करेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पे कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट्स था फिल्म का सेकंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ खास आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की जरूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ खास आपको एट्रेक्टिव नहीं लगेंगे पईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे अमरतनम के डायर दार, द्वारा डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट एकसेटेब, थे एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस धमन के द्वारा जो बीजेम से तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता के जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफी जोरदार नजर आता है एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने सोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर राम पोथी ने नेने की आपको सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से लॉजिकल है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस डांस मूव्स ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई लेकिन कहानी काफ़ी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई खास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सॉरी uh, बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज़ के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को Uh, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगु के साथ हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेजेस शामिल थे जहाँ पर ये फिल्म पहले 20 सेक्टम्बर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके 28 सितंबर को रिलीज़ किया हुआ था जिसमें नब्बे करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीबन बावन वोट बारह वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस होट स्टार के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू, कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल मेकर्स है उन्होंने साउथ इंडियन वर्जन के राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों को बेचे थे जहा पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स उन्होंने ऑलरेडी आरके डी स्टूडियोज को बेच दिए थे तो आरके डी स्टूडियोज के साथ डिजनी प्लस होस्टार वालों ने डील की हुई थी तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होस्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आरके डी स्टूडियोज के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी है देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस हो के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे स्कंदा द अटेकर ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डप्ट करके रिलीज किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महात्रे अपने करियर में पहले ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहां पे इस फिल्म का जो, जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें बोईपति सेनू ने की हुई थी डायलॉग्स से वो एम रत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पर श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो हेल्थ दी अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी ये फिल्म थी जिसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी संतोष देताकी ने की हुई थी एडिटिंग तमीम राजू ने की हुई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे सेतालीस मिनट लंबी यह फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसे सामान्य बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज़ किए हुए थे इस फिल्म को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन जी स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी रिलीज़ भी उनके ही द्वारा करवाई गई थी फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आर के दोगल स्टूडियोज़ वालों ने खरीदे हुए थे हिंदी डबिंग उनके द्वारा करवाई गई थी और उनके ही थ्रू इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन थिएटिकल रिलीज करवाया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं राम पोथी ने आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे एक रोल का नाम है मणिकंदना भास्कर आर राजू वहीं पे इस फिल्म में आपको उनका दूसरा किरदार देखने को मिलता है जहां पे उसका नाम है स्कंदा वो मोरक्को से आया हुआ है जहाँ पे वो भास्कर का डोपल गैंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रंगति परिणीता जो अमूल है उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि राम पोथिन यानी किरदार का साई मंजरेकर जो रुद्रगति परिणीता अमूलू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी जो रुद्रगन्दी रामा कृष्णा राजू के बेटी है वहीं पे वो स्कंदा की लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्णा राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेस मैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ ओ है शरद लोहित सा इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो रंजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय पुर कार को राइडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सीएम था दघुवती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो भास्कर के का रोल था जो रुद्र में रह रहा है वहीं पे प्रभाकर इस फिल्म में फिल्मा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म में प्रदीप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ श्रावण को इस फिल्म में रंजीत रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट का रोल दिया गया था गौतम इस फिल्म में मणिकंता लक्ष्मी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो भास्कर की माँ का रोल था इंदिराजा ने इस फिल्म में रुद्रगंती भास्कर भारती का रोल प्ले किया हुआ है जो रामाकृष्ण राजू का वाइफ का रोल था वहीं पे उर्वशी रावत लाइक स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी गाने में जिसका नाम था कल्ट मामले तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं डेवलपमेंट की शुरुआत 18 फरवरी 2000 से की गई थी 2022 से की गई थी सिल्वर स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जिन्होंने अनाउंस की थी अपनी अगली फिल्म जहाँ पे बताया गया था कि बोईपति स्न इस फिल्म में डिरेक्शन करने वाले वहीं पे राम पोथीन एज एल डिरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे जिसका टेंटेटिव बोईपति राम को रखा गया था फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि श्री लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथर के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक लिम्प वीडियो रिलीज़ किया गया था जहां पे साथ ही में रिवील टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पे फिल्म का टाइटल्स कंदा रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटेकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी है, वो 6 अक्टूबर 2022 को बाईस स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक्सन सिकवेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ राम पोथीन यूनिवर्सिटी ला के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को किया हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीजें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद में मार्केटिंग और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था दो हज़ार में गानों को रिलीज़ किया हुआ था एस ए स्थमन जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका एक करीबन चौथा कोलाब्रेशन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाबरेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे स्कोर जिसको दो में रिलीज किया था उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में यानी कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथी नैनी के साथ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे कोलोब्रेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एस एस थमन ने बोपत्ती के साथ तीसरा कोलाब्रेशन किया हुआ जिसकी शुरुआत दो की फिल्म सराइनोडो से की गई थी दो तो में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे और दो हजार तेईस कीधा फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तू चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजना कालमंजय ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश चौजन भगवतुल्लू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अट्ठारह अगस्त दो को रिलीज़ किया गया तीसरा सिंगल दुमा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन पराण थी ने उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया हुआ था जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें आ, फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला तेला जहाँ पे वो राम पोथीनैनी के साथ पहली बार कोलोबरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद्र रमिया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और 18 सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल में वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेज के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोही सावा जहाँ इस तेलंगाना का सीएम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम एम राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे रामपोथीनैनी जो इस सिनारे को पूरी तरह से चेंज कर देते अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सी को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फ़िल्म के एक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है राम पोथिनेनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोट वर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका ये बिस्ट मोड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सिक्वेंस सेट किए होते हैं उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है मास अपीरेंस उनका आपको जब, जबरदस्त जबर लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलते है वो सीन्स में वजन डाल देते हैं श्री लीला भी इस फिल्म में काफी इंप्रेसिव नजर आती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है उनकी टेलर ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफ़िनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फाइन रोल प्ले करते हुए नज़र आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फिल्म की कहानी थी वो उन वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहाँ पे वो डगुपति राजू का रोल प्ले करते हुए नज़र आते उस रोल में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार नजर आता है काफी अच्छा नजर आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को इनहेंस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया हो उसको एंजॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईफते की स्नु की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडू या कोई भी फिल्म ले लो उनकी ये सभी फिल्में द टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के है उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय कीजिएगा फाइट सिक्वेंस डेफिनेटली एंजॉयबल है जहाँ पे एंडरलाइन रस वाले मोमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते किसी नहीं की तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नज़र आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहाँ पे भी वो काफ़ी चीज़ें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में, में, में मत में लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया कुछ बंसते थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्ट बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफ़िनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज़्यादा फिल्म की जो ये फाइट सी कौन से जो डायलॉग डिलीवरी डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ खास आपको कनेक्ट नहीं कर पाती है नहीं लगती है थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी गौतमी और भी कई ऐसे एक्टर्स है जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई ख़ास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कोई बदलाव कर सके तो ज़्यादा कैरेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने कैरेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पे कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट्स था फिल्म का सेकंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ खास आउटस्टेंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ खास आपको एट्रेक्टिव नहीं लगेंगे बोईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे हेमरत्नम के डायर दार, द्वारा डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट एकसेटेब, थे एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस धमन के द्वारा जो बी तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता के कि जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफ़ी जोरदार नज़र आता है एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने शोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ है वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो वो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर राम पोथी ने, ने की आपको सोलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से इन है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस डांस मूव ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई लेकिन कहानी काफी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई ख़ास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सॉरी uh, बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को Uh, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजिज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू के साथ हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेज शामिल थे जहाँ पे पहले ये फिल्म पहले 20 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके अट्ठाईस सितंबर को रिलीज़ किया हुआ था जिसमें नब्बे करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीबन बावन वोट बारह वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए थे इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस हॉट स्टार के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल मेकर से उन्होंने के वालों को बेचे थे जहां वर्जन के राइट्स उन्होंने डील तो की हुई थी तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हो स्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आरके स्टूडियोज के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे स्कंदा द अटेकर ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डप्ट करके रिलीज किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महात्रे अपने करियर में पहली ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहां पे इस फिल्म का जो, जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें बोईपति सीनू ने की हुई थी डायलॉग्स से वो एम रत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पर श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो एक हेल्दी अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी ये फिल्म थी जिसकी टेक्निकल टीम में संतोष ने की हुई थी एडिटिंग राजू ने की हुई थी फिल्म को मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे मिनट लंबी फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसे सामान्य बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज किए

वहीं पे इस फिल्म में आपको उनका दूसरा किरदार देखने को मिलता है जहाँ पे उसका नाम स्कंदा वो मोरक्को से आया हुआ है जहाँ पे वो भास्कर का डोपल गैंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रंगति परिणीता जो अमुल है उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला इस फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि रामपोथिन ने कि किरदार का साई मंजरेकर जो रुद्रगति परिणीता अमूलू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी जो रुद्रगन्दी रामा कृष्णा राजू के बेटी है वहीं पे वो स्कंधा की लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्णा राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेसमैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ है शरत लोहित साह इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो सरनजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय पुरकार को रायडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सी था दघुवती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो भास्कर के दर का रोल था जो रुद्र में रह रहा है वहीं पे प्रभाकर इस फिल्म में चिन्हप्पा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म में प्रदीप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ श्रावण को इस फिल्म में रंजीत रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट का रोल दिया गया था गौतम इस फिल्म में मणिकंता लक्ष्मी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो भास्कर की माँ का रोल था इंदिरा इंदिराजा ने इस फिल्म में रुद्रगंती भास्कर भारती का रोल प्ले किया है जो रामाकृष्ण राजू का वाइफ का रोल था वहीं पे उर्वशी रावत लाइक स्पेशल अपीयरेंस देती हुए नजर आएगी गाने में जिसका नाम था कल्ट मांग तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं डेवलपमेंट की शुरुआत 18 फरवरी 2000 से की गई थी 2022 से की गई थी सिल्वर स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जिन्होंने अनाउंस की थी अपनी अगली फिल्म जहाँ पे बताया गया था कि बोईपति स्त्रीन इस फिल्म में डिरेक्शन करने वाले वहीं पे राम पोथीन एज एल डिरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे जिसका टेंटेटिव टाइटल रापो रखा गया था फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथर के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक लिम्स वीडियो रिलीज़ किया गया था जहां पे साथ ही में रिविल टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पर फिल्म का टाइटल्स कंदा रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटेकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते थे प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो 6 अक्टूबर 2022 हज़ार बाईस को साथ स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक सन सिक्वेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ रामपोथी ननी और श्रीला के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को किया हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीजें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद मार्केटिंग और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था दो हजार में गानों को रिलीज़ किया हुआ था एस एस थमन जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका करीबन चौथा कोलाब्रेशन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाबोरेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे स्को जिसको दो में रिलीज किया था उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में यानी कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथी नेने के साथ एज म्यूजिक डोर डायरेक्टर के तौर पे कोलैबोरेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एसएस इस थमन ने बॉयपति सेनू के साथ ये तीसरा कोलैबोरेशन किया हुआ है जिसकी शुरुआत 2016 की फिल्म सराय नोडू से की गई थी 2021 में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे और दो हजार तेईस कीधा फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तु चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजना कालमंजय ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश चौजन भगवतुलू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अट्ठारह अगस्त दो को रिलीज किया गया तीसरा सिंगल दुमा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन प्राण थीन उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया होता जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें आ, फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला तेला जहाँ पे वो राम पोथी नैनी के साथ पहली बार कोलाबोरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद्र रमिया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और 18 सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल फिल्म फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोही सवा। जहां पे इस तेलंगाना का सीएम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे हैं राम पोथीनैनी जो इस सिनारियों को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सीएम को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फिल्म के लीड एक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है राम पोथीनिनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोट वर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका ये बिस् मोड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सेट किए होते हैं उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है मास अपीरेंस उनका आपको जबरदस्त लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलते है उस वो सीन्स में वजन डाल देते हैं श्रीलीला भी इस फिल्म में काफी इंप्रेसिव नजर आती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है उनके स्टेलर ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफ़िनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फ़ाइन रोल प्ले करते हुए नज़र आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फिल्म की कहानी थी वो उन वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहाँ पे वो डगुपति राजू का रोल प्ले करते हुए नजर आते उस रोल में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार नज़र आता है काफी अच्छा नजर आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को एनहांस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया है उसको एंजॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईफते की स्ट्रेण की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडू या कोई भी फिल्म ले लो उनकी ये सभी फिल्में ओवर टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मजा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के है उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय करिएगा फाइट सीक्वेंस डेफिनेटली एंजॉएबल है जहाँ पे अंडरलाइन रस वाले मोमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते किसी की तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नजर आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहाँ पे भी वो काफ़ी चीज़ें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में, में मत में लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया कुशबंस दे थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफिनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज्यादा फिल्म की जो ये फाइट सिकॉन से जो डायलॉग डिलीवरी डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ खास आपको कनेक्ट नहीं पर कर पाती है इंगेजिंग नहीं लगती है सॉन्ग्स थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा करेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी गौतमी और भी कहीं ऐसे एक्टर्स थे जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई ख़ास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कुछ बदलाव कर सके तो ज़्यादा करेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने करेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पर कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट था फिल्म का सेकेंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ खास आउटस्टेंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की जरूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ खास आपको एट्रेक्टिव नहीं लगेंगे बॉईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे अमरतनम के डायर दार, द्वारा डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट एकस्टेब, थे एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस धमन के द्वारा जो बीजेम तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता के जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफी जोरदार नजर आता है एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने सोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर राम पोथी ने, ने की आपको सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से इन लॉजिकल है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस डांस मूव्स ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई लेकिन कहानी काफी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई खास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सॉरी uh, बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज़ के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को uh, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू के साथ हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेज शामिल थे जहाँ पे ये फिल्म पहले 20 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके 28 सितंबर को रिलीज किया हुआ था जिसमें 90 करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीबन करीब बारह सौ वोट मिले जिसमें पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म के ओ टी प्लस राइट के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल उन्होंने वर्जन्स के राइट्स को बेच थे। तो आरकेडी स्टूडियो के साथ वालों ने की थी। तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होस्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आरके स्टूडियोज के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी है देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे स्कंदा द अटेकर ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डब्ड करके रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महात्रे अपने करियर में पहली ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म का जो, जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 हजार तेईस की तेलगू लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिर सभी चीजें बोईपति सेनु ने की हुई थी डायलॉग सेम रत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पे श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो एक हेल्दी अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी फिल्म थी जिसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी संतोष देताकी ने की हुई थी एडिटिंग तमीम राजू ने की हुई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे सैंतालीस मिनट NBA फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसे एस ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज़ किए हुए थे इस फिल्म को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन जी स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी रिलीज़ भी उनके ही द्वारा करवाई गई थी फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट थे वार के दोगल स्टूडियोज़ वालों ने खरीदे हुए थे हिंदी डबिंग उनके द्वारा करवाई गई थी और उनके ही थ्रू इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन थिएटरिकल रिलीज करवाया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं राम पोथे ने आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक रोल का नाम है मणिकंदना भास्कर आर राजू वहीं पे इस फिल्म में आपको उनका दूसरा किरदार देखने को मिलता है जहाँ पे उसका नाम है स्कंदा वो मोरक्को से आया हुआ है जहाँ पे वो भास्कर का डोपल गेंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रंगति परिणीता जो अमूल्य उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला इस फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि रामपोथिन के किरदार का साई मंजरेकर जो रुद्रगति परिणीता अमूलू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी जो रुद्रगन्दी रामा कृष्णा राजू के बेटी है वहीं पे वो स्कंदा की लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्णा राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेसमैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ है लोहित लोहिता इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी एम है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो सरनजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय अजयपुर कार्को राइडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सी था दगुबती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया है जो भास्कर के फादर का रोल था जो रुद्राजपुरम में रह रहा है वहीं पर प्रभाकर इस फिल्म में चिनप्पा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म प्रदीप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुए। को इस फिल्म में रंजीत के का दिया गया था रोल प्ले, प्ले किया रामाकृष्ण राजू का वाइफ का रोल था वहीं पे उर्वशी रावत लाइक स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी गाने में जिसका नाम था कल्ट मामा तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं डेवलपमेंट की शुरुआत 18 फरवरी 2000 से की गई थी 2022 से की गई थी सिल्वर स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जिन्होंने अनाउंस की थी अपनी अगली फिल्म जहाँ पे बताया गया था कि बोईपति श्रेन इस फिल्म में डिरेक्शन करने वाले वहीं पे राम पोथी ने इज डायरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे जिसका टेंटेटिव टाइटल बोईपति रखा गया था फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि श्री लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथर के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक ग्लिम्स वीडियो रिलीज किया गया था जहाँ पे साथ ही में रिवील टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पे फिल्म का टाइटल्स कंदा रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटेकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 अक्टूबर 2022 हज़ार हाँ बाईस को साथ स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था और रामौजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक सन सिक्वेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ रामपोथिन्य के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को किया हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीजें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद मार्केटिंग और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था और दो में गानों को रिलीज़ किया हुआ था इसे स्थमन इस जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका एक करीबन चौथा कोलाबोरेसन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाब्रेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे स्कोर जिसको दो में रिलीज किया था उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में यानी कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथीनैनी के साथ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे कोलोबेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एस एस थमन ने बोईपति सिर्नो के साथ तीसरा कोलोब्रेशन किया हुआ जिसकी शुरुआत दो की फिल्म सराय नोडू से की गई थी दो में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे और दो हज़ार तेईस फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तु चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजयना कालमंजय ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज़ किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश चौजन भगवतुल्लू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अट्ठारह अगस्त दो को रिलीज़ किया गया तीसरा सिंगल दुमा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन पराने थीने उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया हुआ था जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला जहाँ पे वो रामपोथीनि के साथ पहली बार का कोलोबरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद्र राम या रमया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और अट्ठारह सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी एम रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोहित सवा जहाँ पे इस तेलंगाना का सीएम एम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे राम ने जो इस सीनारियो को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सीएम को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फिल्म के लीड एक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है राम पोथी नैनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोट नोटवर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका ये बिस्ट मोड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सिक्वेंस सेट किए होते हैं उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है मास अपीरेंस उनका आपको जबरदस्त लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते हैं उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलते हैं उस वो सीन्स में वज़न डाल देते श्री लीला भी इस फिल्म में काफ़ी इंप्रेसिव नजर आती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है उनकी टेलर ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फाइन रोल प्ले करते हुए नजर आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फिल्म की कहानी थी वो वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहाँ पे वो डगुपति राजू का रोल प्ले करते नजर आते उस रोल में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार नजर आता है काफ़ी अच्छा नज़र आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नज़र आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को एनहेंस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया हो उसको एन्जॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईफते की स्नु की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडो या कोई भी फिल्म ले लो उनकी ये सभी फिल्में ओवर टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के है उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय करिएगा फाइट सिक्वेंस डेफिनेटली एंजॉएबल है जहाँ पे इंड्र रस वाले मोमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते बोई पत्रो किसी की तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नजर आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहाँ पे भी वो काफ़ी चीजें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में, में, में मत मेघ लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया कुशबंस दे थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्टर बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफ़िनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज़्यादा फिल्म की जो ये फाइट सिकॉन्स है जो डायलॉग डिलीवरी डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ खास आपको कनेक्ट नहीं कर पाती है नहीं लगती है सॉन्ग्स थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रोंग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ खास नज़र नहीं आएगी गौतमी और भी कई ऐसे एक्टर्स है जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई ख़ास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कोई बदलाव कर सके तो ज़्यादा कैरेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने कैरेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पे कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट्स था फिल्म का सेकंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ खास आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ खास आपको एट्रेक्टिव नहीं लगेंगे बोईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे हेमरत्नम के डायदार द्वारा डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट थे एकस्टेब, एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस धमन के द्वारा जो बीजेम तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता के जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफी जोरदार नजर आता है एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने सोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पे राम पोथी ने, ने की आपको सोलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से इनलॉजिकल है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस डांस मूव्स ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई है लेकिन कहानी काफी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई खास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस uh, सॉरी बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज़ के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगु के साथ हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेज शामिल थे जहाँ पर ये पे, फिल्म पहले 20 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके अट्ठाईस सेप्टेम्बर को रिलीज़ किया हुआ था जिसमें नब्बे करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का, का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीबन बावन वोट बारह वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस हॉस्टार के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगू मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल ऑरिजिनल उन्होंने साउथ इंडियन वर्जन के राइट्स राइटनी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे थे जहा पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स उन्होंने ऑलरेडी आर के डी स्टूडियोज को बेच दिए थे तो आर के डी स्टूडियो के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने डील की हुई थी तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आर के डी स्टूडियोज के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी है देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन वर्जन में इंजॉय कर पाओगे स्कंदा द अटैकर ये एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डब्ड करके रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महात्रे अपने करियर में पहले ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहां पे इस फिल्म का जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 हज़ार तेईस की तेलगू लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें बोहपति सेनू ने की हुई थी डायलॉग से एमरत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पे श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो एक हेल्दी अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी ये फिल्म थी जिसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी संतोष देताकी ने की हुई थी एडिटिंग तमीम राजू ने की हुई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे सैंतालीस मिनट भी ये फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में एस बैकग्राउंड ने बैकग्राउंड कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज़ किए हुए थे इस फिल्म को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन जी स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी रिलीज भी उनके ही द्वारा करवाई गई थी फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आर के दोग स्टूडियोज़ वालों ने खरीदे हुए थे हिंदी डबिंग उनके द्वारा करवाई गई थी और उनके ही थ्रू इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन थिएटरिकल रिलीज करवाया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं राम पोथी ने आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे एक रोल का नाम है मनिकंदना भास्कर आर राजू वहीं पे इस फिल्म में आपको उनका दूसरा किरदार देखने को मिलता है जहां पे उसका नाम है स्कंदा वो मोरक्को से आया हुआ है जहाँ पे वो भास्कर का डोपल गैंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रांगति परिणीता जो अमुल है उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि राम के किरदार का ಸಾಐ ಮಂಜರೇಕರ್ದ್ರಗತಿ ಪರಿಣಿತಾ ಅಮೂಲ್ ಕಾ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ನಾಂಗೆ ರೂದ್ರಗಂತಿ ರಾಮಾಕೃಷ್ಣ राजू के बेटी है वहीं पे वो स्कंधा की लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्ण राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेस मैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ ओ है शरद लोहिता इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी एम है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो रनजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय अजयपुर को रायडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सी था दघुवती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो भास्कर के का रोल था जो रुद्राजपुरम में रह रहा है वहीं पे प्रभाकर इस फिल्म में चिनप्पा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म में प्रदीप मल्होत्रा का रोल प्ले किया को इस फिल्म में रंजीत रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट का रोल दिया गया था गौतम इस फिल्म में गौतमता लक्ष्मी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो भास्कर की माँ का रोल था इंदिरा झा ने इस फिल्म में रुद्रगंती भास्कर भारती का रोल प्ले किया हुआ जो रामाकृष्ण राजू का वाइफ का रोल था वहीं पे उर्वशी रावत लाइक स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी गाने में जिसका नाम था कल्ट मांग तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं डेवलपमेंट की शुरुआत 18 फरवरी 2000 से की गई थी 2022 से की गई थी सिल्वर स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जिन्होंने अनाउंस की थी अपनी अगली फिल्म जहाँ पे बताया गया था कि बोईपति इस फिल्म में डायरेक्शन करने वाले वहीं पे राम पोथी ने पोथीन डिरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे जिसका टेंटेटिव टाइटल टाइल रापो रखा गया था फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि श्री लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथ के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक लिम्स वीडियो रिलीज किया गया था जहां पे साथ ही में रिवील टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पर फिल्म का टाइटल्स कंदा रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटैकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते थे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 अक्टूबर हाँ 2022 को साथ स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक्शन सिकवेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार हाँ में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ रामपोथिन एनिवर्सिटी ला के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को क्या हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीजें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद मार्केटिंग और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था और दो में गानों को रिलीज किया हुआ था एस एस थमन जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका एक करीबन चौथा कोलाब्रेशन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाबरेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे स्कोर जिसको दो में रिलीज किया था उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथी नैनी के साथ एज म्यूजिक डोर डायरेक्टर के तौर पे कोलोबरेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एस एस थमन ने बोईपति सिर्मो के साथ तीसरा कोलॉबेशन किया हुआ है जिसकी शुरुआत दो की फिल्म सराइनोडो से की गई थी दो में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे और 2023 दो हजार फिर की फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तू चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजना कालमंजय ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश चौजन भगवतुल्लू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अट्ठारह अगस्त दो को रिलीज किया गया तीसरा सिंगल दुम्मा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन प्राण थी उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आ, आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया हुआ था जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें आ, फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला जहाँ पे वो रामपोथी नैनी के साथ पहली बार का कोलोबरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद रामया रमिया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और 18 सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी एम रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोही सावा जहाँ पे इस तेलंगाना का सीएम एम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे रामपोथीनैनी जो इस सिनारे को पूरी तरह से चेंज कर देते अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सीएम को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फिल्म के डायरेक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फिल्म की कहानी बनाती है राम पोथी नैनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोटवर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका ये बिस्ट मोड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सिक्वन सेट किए होते हैं उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है मास अपीरेंस उनका आपको जबरदस्त लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते हैं उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलती है वो सीन्स में वजन डाल देते हैं श्रीलीला भी इस फिल्म में काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है उनकी टेलर ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फाइन रोल प्ले करते हुए नज़र आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फिल्म की कहानी थी वो वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहाँ पे वो डगुपति राजू का रोल प्ले करते हुए नज़र आते उस रोल में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार नजर आता है काफी अच्छा नजर आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को एनहेंस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया हो उसको एंजॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईफते की श्रेणु की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडू या कोई भी फिल्म ले लो उनकी ये सभी फिल्में ओवर द टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के है उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय करिएगा फाइट सिक्वेंस डेफिनेटली एन्जॉएबल है जहाँ पे इंडरलाइन रस वाले मूमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते किसी नहीं की तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नज़र आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहाँ पे भी वो काफ़ी चीज़ें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में, में, में मत मेघ लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया कुछ बंसते थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्ट बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफ़िनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज़्यादा फिल्म की जो ये फाइट सीक्वेंस से जो डायलॉग डिली डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ खास आपको कनेक्ट नहीं पर कर पाती है नहीं लगती है सॉन्ग्स थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगी गौतमी और भी कई ऐसे एक्टर्स थे जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई ख़ास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कुछ बदलाव कर सके तो ज़्यादा करेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने करेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पर कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर वो, वो खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट्स था फिल्म का सेकंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ ख़ास आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ खास आपको एट्रैक्टिव नहीं लगेंगे बोईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे अमरत्नम के दाइला द्वारा दार, डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट एकस्टेब, थे एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस के द्वारा जो बीजेम से तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता के जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफी जोरदार नजर आता है एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने शोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पे राम पोथी ने, ने की आपको सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से इन है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस डांस मूव्स ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई लेकिन कहानी काफ़ी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई ख़ास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सॉरी uh, बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को Uh, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू के साथ हिंदी तमिल कन्नडा मलयालम लैंग्वेजेस शामिल थे जहाँ पे पहले ये फिल्म पहले 20 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके 28 सितंबर को रिलीज़ किया हुआ था जिसमें नब्बे करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का, का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीबन बावन वोट बारह वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस हॉस्टार के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल मेकर्स है उन्होंने साउथ इंडियन वर्जन के राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों को बेचे थे जहां पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स उन्होंने ऑलरेडी आर के स्टूडियोज को बेच दिए थे तो आर के स्टूडियोज के साथ डिजनी प्लस होस्टार वालों ने डील की हुई थी तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होस्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आरके डी स्टूडियोज के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी है देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे स्कंदा द अटेकर ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डब्ड करके रिलीज किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महात्रे अपने करियर में पहले ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहां पे इस फिल्म का जो, जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें बोहपति सेनू ने की हुई थी डायलॉग्स वे एमरत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पर श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो एक अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी ये फिल्म थी जिसकी टेक्निकल टीम में संतोष मेंताकी ने की हुई थी एडिटिंग तमीम राजू ने की हुई थी फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे सैतालीस मिनट लंबी यह फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में एस एसामान्य बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज़ किए हुए थे इस फिल्म को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन जी स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ था जी स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी रिलीज़ भी उनके ही द्वारा करवाई गई थी फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो आर के दुगर स्टूडियोज़ वालों ने खरीदे हुए थे हिंदी डबिंग उनके द्वारा करवाई गई थी और उनके ही थ्रू इस फिल्म को बाद में लेटर ऑन थिएटरिकल रिलीज करवाया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं राम पोथी ने आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे एक रोल का नाम है मनिकंदना भास्कर आर राजू वहीं पे इस फिल्म में आपको उनका दूसरा किरदार देखने को मिलता है जहां पे उसका नाम है स्कंदा वो मोरक्को से आया हुआ है जहां पे वो भास्कर का डोपल गैंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रांगति परिणीता जो अमूल्य है उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि रामपोथीनि के किरदार का साई मंजरेकर जो रुद्रगति परिणीता अमूलू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी जो रुद्रगन्ती रामा कृष्णा राजू के बेटी है वहीं पे वो स्कंदा की लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्ण राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेसमैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ है शरत लोहित सा इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो सरनजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय पुरकार को रायडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सी था दघुवती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो भास्कर के का रोल था जो रुद्र में रह रहा है वहीं पे प्रभाकर इस फिल्म में का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म में प्रदीप मल्होत्रा का रोल प्ले किया को इस फिल्म में रंजीत रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट का रोल दिया गया था गौतम इस फिल्म में मणिकंता लक्ष्मी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो भास्कर की माँ का रोल था इंदिराजा ने इस फिल्म में रुद्रगंती भास्कर भारती का रोल प्ले किया हुआ जो रामाकृष्ण राजू का वाइफ का रोल था वहीं पे उर्वशी रावत लाइफ स्पेशल अपीयरेंस देती हुए नजर आएगी गाने में जिसका नाम था कल्ट मांग तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं डेवलपमेंट की शुरुआत 18 फरवरी 2000 से की गई थी 2022 से की गई थी सिल्वर स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जिन्होंने अनाउंस की थी अपनी अगली फिल्म जहां पे बताया गया था कि बोईपति श्रेण इस फिल्म में डिरेक्शन करने वाले वहीं पे राम पोथीन एज एल डिरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे जिसका टेंटेटिव टाइटल राम रापो रखा गया था फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि श्री लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथर के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक ग्लिम्स वीडियो रिलीज़ किया गया था जहां पे साथ ही में रिविल टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पे फिल्म का टाइटल स्कंदा रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटैकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 अक्टूबर 2022 को साथ स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक सन सिक्वेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ रामपोथीन और श्रीला के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को रिपकिन किया हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीज़ें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद मार्केटिंग और रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था और 2023 में गानों को रिलीज़ किया हुआ था एस एस थमन जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका एक करीबन चौथा कोलाब्रेशन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाबरेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे स्कोर जिसको दो में रिलीज किया था उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में यानी कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथीनैनी के साथ एज ए म्यूजिक डोर डायरेक्टर के तौर पे कोलोब्रेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एसएस इस थमन ने बोयपति सिन्हों के साथ एक तीसरा कोलोब्रेशन किया हुआ है जिसकी शुरुआत 2016 की फिल्म सराय नोडू से की गई थी दो में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए थे और दो हजार तेईस कीधा फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तू चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजय नकालंजय ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश सौ जन भगवतुलू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अट्ठारह अगस्त दो को रिलीज़ किया गया तीसरा सिंगल दुमा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन प्राण थी उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया होता जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें आ, फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला जहाँ पे वो राम पोथीनैनी के साथ पहली बार का कोलाबोरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद्र रमिया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और 18 सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियल वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल फिल्म वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोही सावा जहाँ पे इस तेलंगाना का सीएम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे हैं राम पोथीनैनी जो इस सीनारियो को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सी को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फिल्म के लीड एक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फिल्म की कहानी बनाती है राम पोथीनि का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोट वर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका ये बिस् मोड आपको डेफ़िनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सिकवेंस सेट किए होते उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है मास अपीरेंस उनका आपको जबरदस्त लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते हैं उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलती है वो सीन्स में वजन डाल देते हैं श्रीलीला भी इस फिल्म में काफी इंप्रेसिव नजर आती है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है उनके स्टेलर ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फ़ाइन रोल प्ले करते हुए नज़र आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फिल्म की कहानी थी वो वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहाँ पे वो डगुपति राजू का रोल प्ले करते हुए नज़र आते उस रोल में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार नजर आता है काफी अच्छा नजर आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को एनहांस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया हो, उसको एंजॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईफते की स्ट्रेण की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडू या कोई भी फिल्म ले लो उनकी सभी फिल्में द टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मजा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय कीजिएगा फाइट सीक्वेंस डेफिनेटली एंजॉयबल है जहाँ पे अंडरलाइन रस वाले मोमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते बोतो किसी की तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नज़र आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहां पे भी वो काफ़ी चीजें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में, में, में मत में लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया कुशबंसते थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफ़िनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज़्यादा फिल्म की जो ये फाइट सिकॉन से जो डायलॉग डिलीवरी डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ ख़ास आपको कनेक्ट नहीं कर पाती है नहीं लगती है सॉन्ग्स थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ खास नज़र नहीं आई गौतमी और भी कई ऐसे एक्टर्स थे जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई ख़ास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कोई बदलाव कर सके तो ज़्यादा करेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने करेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पे कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट्स था फिल्म का सेकंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ खास आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज़ को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ खास आपको एट्रेक्टिव नहीं लगेंगे बॉईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे अमरत्नम के डायर दार, द्वारा डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट एकसेटेब, थे एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस के द्वारा जो बी तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता कि जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफ़ी जोरदार नजर आता है एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने सोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ है वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर राम पोथी ने ने की आपको सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से लॉजिकल है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस डांस मूव्स ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई लेकिन कहानी काफ़ी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई खास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सॉरी uh, बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज़ के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को Uh, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगु के साथ हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेजेस शामिल थे जहाँ पर पे फिल्म पहले 20 सेक्टम्बर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके 28 सितंबर को रिलीज़ किया हुआ था जिसमें नब्बे करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीबन बावन वोट बारह वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस होट स्टार के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल मेकर्स है उन्होंने साउथ इंडियन वर्जन के राइट्स डिजनी प्लस होस्टार वालों को बेचे थे जहां पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स उन्होंने ऑलरेडी आरकेड स्टूडियोज को बेच दिए थे तो आरकेडी स्टूडियो के साथ प्लस वालों ने डील की हुई थी तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होस्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आरकेडी स्टूडियो के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी है देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे स्कंदा द अटेकर ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इस फिल्म को डप्ट करके रिलीज किया हुआ था जहाँ पे स्कंदा फिल्म एक वो आउट एंड आउट मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी और फिल्म के लीड हीरो यानी कि संकेत महात्रे अपने करियर में पहले ऐसी फिल्म करने जा रहे थे जहां पे इस फिल्म का जो, जो जोनर था वो था एक्शन ड्रामा 2023 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें बोईपति सेनू ने की हुई थी डायलॉग्स वो एम रत्नम ने लिखे हुए थे वहीं पर श्रीनिवास चित्तौरी पवन कुमार के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था करीबन ऐसे देखा जाए तो हेल्थ दी अच्छा खासा बड़ा बजट था बताया जा रहा था नब्बे करोड़ के आसपास के बजट में बनी ये फिल्म थी जिसकी टेक्निकल टीम में संतोष ने की हुई थी एडिटिंग तमीम राजू ने की हुई थी फिल्म को मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे सैतालीस मिनट लंबी फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसे सामान्य बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए थे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे जंगली म्यूजिक साउथ वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म के गानों में आपको टोटल चार गाने सुनने को मिलेंगे जो फिल्म में यूज किए

वहीं पे इस फिल्म में आपको उनका दूसरा किरदार देखने को मिलता है जहाँ पे उसका नाम स्कंदा वो मोरक्को से आया हुआ है जहाँ पे वो भास्कर का डोपल गैंगर है जिसको परिणीता यानी कि रुद्रंगति परिणीता जो अमुल है उसमें लव इंटरेस्ट है मणिकांता भास्कर राजू का जो किरदार है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका लव इंटरेस्ट है श्री लीला रेड्डी जहाँ पे श्री लीला फिल्म में श्री लीला रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी जो रंजीत रेड्डी की बेटी है और भास्कर का लव इंटरेस्ट है यानी कि रामपोथिन यानी कि किरदार का साई मंजरेकर जो रुद्रगति परिणीता अमूलू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी जो रुद्रगन्ती रामा कृष्णा राजू के बेटी है वहीं पे वो स्कंदा की लव इंटरेस्ट है श्रीकांत ने इस फिल्म में रुद्रगति रामाकृष्णा राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्थी बिजनेस मैन है और क्राउन ग्रुप कंपनी का सीईओ ओ है शरद लोहित सा इस फिल्म में रंजीत रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो सी एम है तेलंगाना के श्रीला का फादर का रोल है वो प्रिंस सेसिल ने इस फिल्म में संजय रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जो रनजीत रेड्डी का फैमिली मेम्बर है अजय पुर कार को राइडू का रोल दिया गया था जो आंध्र प्रदेश का सी था दघुवती राजा ने इस फिल्म में मणिकांता राजू का रोल प्ले किया हुआ है जो भास्कर के का रोल था जो रुद्र में रह रहा है वहीं पे प्रभाकर इस फिल्म में फिल्मा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बबलू पृथ्वीराज ने इस फिल्म में प्रदीप मल्होत्रा का रोल प्ले किया श्रावण को इस फिल्म में रंजीत रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट का रोल दिया गया था गौतम इस फिल्म में मणिकंता लक्ष्मी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो भास्कर की माँ का रोल था इंदिराजा ने इस फिल्म में रुद्रगंती भास्कर भारती का रोल प्ले किया हुआ है जो रामाकृष्ण राजू का वाइफ का रोल था वहीं पे उर्वशी रावत लाइक स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी गाने में जिसका नाम था कल्ट मांग तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं डेवलपमेंट की शुरुआत 18 फरवरी 2000 से की गई थी 2022 से की गई थी सिल्वर स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जिन्होंने अनाउंस की थी अपनी अगली फिल्म जहाँ पे बताया गया था कि बोईपति स्नु इस फिल्म में डिर करने वाले वहीं पे राम पोथीन ने एल डिरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे जिसका टेंटेटिव टाइटल बोईपति रापो रखा गया था फिल्म की मुहूर्त थी जो पूजा सेरेमनी थी वो एक जून 2022 को हैदराबाद में रखी हुई थी पाँच अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया कि श्री लीला इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले जो रामपथर के अपोजिट पहली बार कास्ट की गई तीन जुलाई 2023 को फिल्म का एक लिम्प वीडियो रिलीज किया गया था जहां पे साथ ही में रिवील टाइटल भी रिवील किया गया जहाँ पे फिल्म का टाइटल्स कंदा रखा हुआ था इसकी टेक लाइन थी द अटेकर वहीं पे फिल्मिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी है, वो 6 अक्टूबर दो हज़ार को स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल था और रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो नवंबर में सेट किया हुआ था वहाँ पे एक एक्सन सिक्वेंस सेट किया हुआ था तीसरे शेड्यूल में फिल्म को जनवरी दो हज़ार में स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल था वो कुछ राम पोथीन एनिवर्सिटी ला के जो सीन्स थे उसके साथ स्टार्ट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम किया गया और पूरी तरह से इस फिल्म को किया हुआ था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग ये सभी चीजें करवाई और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करवाया उसके बाद मार्केटिंग और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया हुआ था साउंड ट्रे के ऊपर बातचीत कर लेते हैं जंगली म्यूजिक साउथ के द्वारा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए थे 2023 में गानों को रिकॉर्ड किया था और दो में गानों को रिलीज़ किया हुआ था एस ए स्थमन जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज करते हुए नजर आएंगे राम पोथी नैनी के साथ उनका एक करीबन चौथा कोलाब्रेशन था दो से ग्यारह से की शुरुआत हुई थी कंडीरेगा फिल्म के साथ दो में मसाला फिल्म में उनके साथ उन्होंने फिर से कोलाबरेट किया था तीसरी फिल्म थी पंडा गाचे स्कोर जिसको दो में रिलीज़ किया था उसके बाद में उन्होंने ने डायरेक्ट स्कंदा फिल्म में यानी कि 2023 में करीबन आठ सालों के बाद फिर से राम पोथी नेने के साथ एज ए म्यूजिक डोर डायरेक्टर के तौर पे कोलोब्रेशन किया हुआ है ठीक इसी तरह एसएस इस थमन ने बोयपति सिन्हा के साथ एक तीसरा कोलोब्रेशन किया हुआ है जिसकी शुरुआत 2016 की फिल्म सराय नोडू से की गई थी दो में अखंडा फिल्म में भी उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए थे और दो हजार तेईस कीधा फिल्म में फिर से एक बार काम करते हुए नजर आए फिल्म का पहला गाना नीच चुत्तू चुत्तु जिसके लिरिक्स लिखे थे रघु राम ने सिद्ध श्री राम संजय संजना कालमंजय ने उसको गाया हुआ था इस गाने को तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया था दूसरा सिंगल गंदरबाई जिसको अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था नक्का सदीश चौजन भगवतुल्लू ने उसको गाया हुआ था उस गाने को अट्ठारह अगस्त दो को रिलीज़ किया गया तीसरा सिंगल दुमा रे दुम्मा उसको तीस अगस्त 2023 को रिलीज़ किया गया था कल्याण चक्रवर्ती और अरमान मल उसको लिखा हुआ था अरमान मलिक और अयन प्राण थी ने उसको गाया हुआ था चौथा सिंगल जो एक आइटम सॉन्ग के तौर पे पेश किया हुआ था जिसका नाम था कल्ट मामा उसमें आ, फीचर की हुई थी फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला तेला जहाँ पे वो रामपोती नैनी के साथ पहली बार का कोलाबरेट करती हुई नजर आई थी इस गाने को अनंत श्री राम ने लिखा हुआ था हेमचंद्र रमिया बेहरा और महा ने उसको गाया हुआ था गाने की लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड और 18 सितंबर 2023 को इन सभी गानों को ऑफिशियल वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जंगली म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था तो फिलहाल मैं भी ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल फिल्म फॉर्मेट में देख सकते हो सुन सकते हो जहाँ पे जंगली म्यूजिक के सभी अलग अलग लैंग्वेज के चैनल पे इस फिल्म के तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन शामिल है अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी तेलंगाना सी रंजीत रेड्डी से स्टार्ट होती है वो रोल प्ले करे शरद लोहित सवा जहाँ पे इस तेलंगाना का सीएम रंजीत रेड्डी का जो बेटा है वो एक आंध्र प्रदेश के सीएम एम राइडू की बेटी उसको लेके भाग जाता है राइडू का रोल प्ले कर रहे अजय पुरकार जहाँ पे राइडू अब पूरी तरह से रिवेंज के मोड में है वहाँ पे एंट्री होती है भास्कर राजू की वो रोल प्ले कर रहे रामपोथीनैनी जो इस सिनारे को पूरी तरह से चेंज कर देते अब ये भास्कर राजू कौन है इसके अलावा उसका मोटो क्या था उसने क्यों इन दोनों सी को टारगेट किया और इस मैटर को उन्होंने हैंडल किया उसके बाद में उसका क्या मोटिव है उसके पीछे रुद्रगति रामा कृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत वो किस तरह से राजू से रिलेटेड है यानी कि फ़िल्म के एक्टर भास्कर राजू से किस तरह से रिलेटेड है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है राम पोथिनेनी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है वो नोट वर्थी था काफ़ी इम्प्रेसिव काम उनका देखने को मिलता है उनका ये बिस्ट मोड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा जिस तरह से एनिमिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन सिक्वेंस सेट किए होते हैं उसमें उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आता है मास अपीरेंस उनका आपको जबरदस्त लगेगा अच्छा लगेगा पसंद आएगा डायलॉग डिलीवरी उनकी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और उसके बाद में जिस तरह से जो सीन्स देखने को मिलते हैं उसमें जो डायलॉग डिलीवरी सुनने को मिलते हैं वो सीन्स में वजन डाल देते हैं श्री लीला भी इस फिल्म में काफी इंप्रेसिव नजर आती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो आसानी से ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रहती है उनकी स्टेलर ब्यूटी और डांस मूव्स आपको डेफ़िनेटली पसंद आएंगे श्रीकांत इस फिल्म में एक फाइन रोल प्ले करते हुए नज़र आते उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम था लेकिन जिस तरह से ये फिल्म की कहानी थी वो उन वही उनके किरदार से ही इर्द गिर्द घूमती है वही ट्रिगर पॉइंट था फिल्म की कहानी का जहाँ पे वो डगुपति राजू का रोल प्ले करते हुए नज़र आते उस रोल में उनका काम काफ़ी ज़्यादा दमदार नजर आता है काफी अच्छा नजर आता है एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आते थमन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आए थे उनका जो बैकग्राउंड स्कोर था आपको पसंद आएगा जो सीन्स को इनहेंस करने में मदद करता है अब कुछ माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म में डेफिनेटली आप लॉजिक मत ढूंढेगा इस फिल्म में जो मैजिक दिखाया हो उसको एंजॉय करिएगा ये पूरी तरह से बोईफते की स्नु की जितनी भी जो फिल्म है उसमें अप्लाई होता है आप अखंडा ले लो सरे नोडू या कोई भी फिल्म ले लो उनकी ये सभी फिल्में ओर द टॉप एक्शन वाली फिल्में तो होती है लेकिन लॉजिक मत लगाइएगा तो देखने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है फिल्म के खास करके फाइट सीक्वेंस जो फिल्म के है उसमें लॉजिक मत लगाइएगा स्कंदा फिल्म में जिस तरह से जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है उसको आप शांति से बैठ के इन्जॉय कीजिएगा फाइट सिक्वेंस डेफिनेटली एंजॉयबल है जहाँ पे एंडरलाइन रस वाले मोमेंट्स आपको इस फिल्म में प्रोवाइड किए गए जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में ये सभी किस तरह से चीजें पॉसिबल है वो सवाल का जवाब मत ढूंढेगा स्टोरी कुछ नया ऑफर नहीं करते किसी तीसरी फिल्म की कहानी यही होती है जहाँ पे कहानी अगर आप छोड़ दो कहानी में उतना कुछ मोमेंटम नज़र आता नहीं है उतनी एंगेजिंग मैनर में उन्होंने दिखाया नहीं है सेकंड हाफ काफ़ी स्लो रखा हुआ है वहाँ पे भी वो काफ़ी चीज़ें सुधार सकते थे तो कहानी को आपको साइड में रखना पड़ेगा वो दिमाग में, में मत मेघ लेके मत चलेगा कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा इसके अलावा मास डायलॉग से फिल्म के वो काफ़ी बढ़िया कुशबंस दे थे एक अच्छी तरह से उसको एलिवेट किया था मास फाइट सिक्वेंस को भी डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था जिस वजह से मास फैंस को ये डेफिनेटली पसंद आएगा इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने प्लॉट से ज़्यादा फिल्म की जो ये फाइट सिकॉन से जो डायलॉग डिलीवरी डायलॉग से करेक्टर है उसमें फोकस करने की कोशिश की हुई थी जिस वजह से वो कहानी है वो उतनी कुछ खास आपको कनेक्ट नहीं पर कर पाती है इंगेजिंग नहीं लगती है सॉन्ग्स थे वो कुछ गाने अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग थी फिल्म के एक आध गाने छोड़ दे तो बाकी गाने तो भुला देने लायक ही थे वहीं पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए हुए ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से उसको वो जितनी बार इंट्रोड्यूस करते वो सभी चीज़ें आपको उतनी कुछ खास नज़र नहीं आएगी गौतमी और भी कई ऐसे एक्टर्स थे जो इस फिल्म में कोई इस फिल्म की कहानी के साथ कोई खास कैरेक्टर्स थे नहीं कि जो कहानी में कुछ बदलाव कर सके तो ज़्यादा कैरेक्टर्स की के ज़रूरत थी नहीं डायरेक्टर ने कैरेक्टर्स को कुछ डेवलप किया नहीं है काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनका स्कोप भी नहीं था फिल्म में जहाँ पे कुछ टाइम तो कोई डायलॉग थे वो फिल्म में ऐसा लगता है कि कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो उसको वो, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है कि इस फिल्म में उसके कोई डायलॉग नहीं है तो एक डायलॉग्स एड हो जाए इमोशनल पार्ट्स था फिल्म का सेकंड हाफ में आपको जो देखने को मिलता है वो डिसेंट था लेकिन उतना कुछ खास आउटस्टेंडिंग नज़र नहीं आता है इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी इसके अलावा फिल्म में जो डायलॉग थे जो पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट किए जा रहे थे जहाँ पे कुछ डायलॉग थे वो डेफिनेटली मास ऑडियंस को पसंद आएगी लेकिन कुछ डायलॉग्स उतने कुछ ख़ास आपको एट्रेक्टिव नहीं लगेंगे बोईपति श्रीनु एक बार फिर से मास एंटरटेनर फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे इस फिल्म में ज़्यादातर एक्शन था इमोशन कम था जहाँ पे हेमरत्नम के डायर दार, द्वारा डायलॉग्स लिखे गए थे जो डिसेंट थे एकसेटेब, एक्सेटेबल थे जिसमें आपको कुछ टाइम पे घुस बम भी आ जाता है डायलॉग सुनते समय एस एस धमन के द्वारा जो बीजेम तैयार किया गया था बैकग्राउंड स्कोर वो फर्स्ट हाफ के साथ देखे तो डिसेंट था एनर्जेटिक था जहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स को एनहेंस कर रहा था संतोष देता के जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे उनका काम काफी जोरदार नजर आता है एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से उन्होंने शोकिस किया हुआ है बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने दिखाया हुआ वो बढ़िया था एडिटिंग फिल्म की अच्छी थी जहाँ पे काफ़ी सारे अननेसेसरी सीन्स थे अगर सेकंड हाफ में उसे ट्रिम कर देते तो वो फिल्म एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी शानदार थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी थी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने बढ़िया काम किया था आर्ट डायरेक्शन अच्छा था तो ये सभी चीज़ें फिल्म के प्लस पॉइंट में शामिल होती कुल मिला के स्कंदा एक ऐसी मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पर राम पोथी ने, ने की आपको सोलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अच्छे खासे एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते बढ़िया डांस मूव्स देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट दे सकते हैं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंस में जो लॉजिक लगाया हुआ है वो पूरी तरह से इन है वो सेकंड हाफ जिस तरह से दिखाया हुआ था वो एक फ्लैट नोट के साथ डल मूवमेंट के साथ तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भूलना पड़ेगा अदरवाइज फिल्म में राम की परफॉर्मेंसेस एनर्जेटिक एक्शन सीक्वेंस डांस मूव ये सभी चीज़ें मास ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा देगी तो ये सभी चीज़ें हाई वोल्टेज एंटरटेनर के थ्रू दिखाई हुई लेकिन कहानी काफ़ी ज्यादा सिंपल है तो अगर आप टाइम पास के तौर पर कोई फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो कुछ उम्मीद मत रखिएगा स्कंदा द टेकर फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था 28 सितंबर 2023 को जब फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह का जो रिस्पांस मिला उसके बाद में फिल्म ने कोई ख़ास कलेक्शन करके नहीं दिखाया नब्बे करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सॉरी uh, बजट बताया जा रहा था उसके सामने करीबन पचपन से साठ करोड़ के आसपास का इस फिल्म ने लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन किया और नेगेटिव रिव्यूज़ के चलते फिल्म उतना लंबा नहीं चल पाई थी फिल्म को uh, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू के साथ हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेज शामिल थे जहाँ पे ये फिल्म पहले 20 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन लेटर ऑन प्रीपोन करके 28 सितंबर को रिलीज किया हुआ था जिसमें नब्बे करोड़ के बजट के सामने सत्तावन करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया आई पे इस फिल्म को करीब बारह सौ वोट मिले जिसमें पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म के जो ओ थे टी राइट्स थे वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म के ओ प्लस टी स्टार के पास थे जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वजन के राइट्स उनके ही पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी कन्नडा तमिल मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको स्कंदा फिल्म फ़िलहाल में ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो देख सकते हो डिजनी प्लस होस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वैसे जो ओरिजिनल मेकर से उन्होंने के वालों को बेचे थे जहां वर्जन के राइट्स उन्होंने डील तो की हुई थी तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार में जो डबिंग देखने को मिलती है वो आरके स्टूडियोज के द्वारा करवाई हुई फिल्म की डबिंग अच्छी देखने लायक है तो इस फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय स्कंदा फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर जानकारी दी इसके अलावा फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू